दोस्तों क्रिकेट में जो भी खिलाड़ी आता है उसका एक ही सपना होता है कि वो विश्व कप जैसे बड़े टूर्नामेंट खेले, पर बहुत कम खिलाड़ियों को ही ऐसा मौका मिलता है। वैसे हम यहाँ एक ऐसे खिलाड़ी का नाम बताने जा रहे हैं जिसने विश्व कप के फाइनल मुकाबले में डेब्यू किया और अपनी टीम को चैंपियन भी बनाया। हम यहाँ जिस खिलाड़ी की बात करने जा रहे हैं उस खिलाड़ी का नाम है यूसुफ पठान। बता दें कि 2007 के T20 वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में वीरेंद्र सहवाग अंतिम समय पर चोटिल हो गए थे। सहवाग के चोटिल होने के बाद यूसुफ पठान को उनकी जगह वर्ल्ड कप के फाइनल में बतौर ओपनर टीम में जगह दी गई थी। यूसुफ पठान ने फिर बतौर सलामी बल्लेबाज वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में अपना डेब्यू किया। उस दौरान यूसुफ ने भारत के लिए पाकिस्तान के खिलाफ मैच में मात्र 8 गेंदों में एक चौका और एक छक्के की मदद के दम पर 15 रनों की दमदार पारी खेली थी। यूसुफ पठान की छोटी सी पारी हमेशा के लिए यादगार रही। बता दें कि यूसुफ ने अपने करियर में 57 वनडे मुकाबले खेले हैं जिनमें 810 रन बनाए हैं, वहीं 22 T20 मुकाबलों में 236 रन बनाए हैं। यूसुफ पठान ने भारतीय टीम के लिए बतौर ऑलराउंडर सेवाएं दी हैं। उन्होंने 57 वनडे में 33 विकेट लिए, वहीं 22 T20 मैचों में 13 विकेट अपने नाम किए। भारतीय टीम से बाहर चल रहे यूसुफ पठान अब IPL में ही नजर आते हैं और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम का हिस्सा हैं। तो दोस्तों आप लोगों की क्या राय है यूसुफ पठान के बारे में हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक के बटन को दबाना ना भूलें और आगे ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रिक आकाश को। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।